हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंशियल विजडम पे। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे कंपनी जो कि बेस्ड होगी ग्रोथ विद डाइल्यूशंस में। जैसे ही हम स्क्रीनर की वेबसाइट ओपन करेंगे, स्क्रीन्स पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगी ग्रोथ विद डाइल्यूशन, मीन्स कंपनी विद लेस देन 10% डाइल्यूशन ओवर 5 ईयर्स, ओवर 10 ईयर्स। तो जिस तरह से हमारे पास कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, तो ये सबसे पहले हमारे पास है पृथ्वी एक्सचेंज। तो जैसे ही हम पृथ्वी एक्सचेंज को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप। ये कंपनी की वेबसाइट है, ये BSE कोड है कंपनी का, ये करंट मार्केट प्राइस हो जाएगा कंपनी का, और इसी के साथ मार्केट कैप। तो कंपनी जो है वो 134 करोड़ की कंपनी है। इसका मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। इसका प्राइस 162 का है, और ऑल टाइम हाई कंपनी ने 170 और लो 43 का बनाया है। स्टॉक का जो PE है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो 18 का है। कंपनी अपने वैल्यूएशन से ठीक सस्ती अवेलेबल है। बुक वैल्यू की बात करिए तो आज अगर कंपनी बंद हो जाए, बिल्कुल ही इसका धंधा ना चले, तो किस बंदे को कितने शेयर मिलेंगे, वो है 45 के हिसाब से। तो वो होती है कंपनी की बुक वैल्यू। डिविडेंड यील्ड 0.31%, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कंपनी का वो है अच्छा 19.5%, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें वो है 15.5%, जो कि वो भी है अच्छा। फेस वैल्यू 10 है कंपनी का। तो चलिए, ये पृथ्वी एक्सचेंज के हमने ओवरव्यू तो लिया, तो ये कंपनी करती क्या है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में। पृथ्वी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये फॉरेन एक्सचेंज के बिजनेस में है। तो चलिए कंपनी की और डेप्थ में रीड कर लेते हैं। कंपनी इज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइसेंस्ड ऑथराइज्ड डीलर इन कैटेगरी टू। कंपनी हेल्प्स लेजर एंड बिजनेस ट्रैवलर, स्टूडेंट्स एंड अदर ट्रैवलिंग ओवरसीज फॉर देयर फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स। इस कस्टमर बेस इंक्लूड कॉरपोरेट्स फ्रॉम IT इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सर्विस हिस्ट्री एंड इंडिविजुअल्स हु ट्रैवल अब्रॉड। इन एडिशन टू, कंपनी हैज अ टाई अप विद बैंक्स एंड ट्रैवल एजेंसीज। तो इससे हमें पता चला जो कंपनी का टाई अप है वो बैंक्स के साथ भी है, ट्रैवल एजेंसीज के साथ भी है, और जो कंपनी है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सर्विस इंडस्ट्री और जो इंडिविजुअल बाहर जाते हैं जैसे कि बाहर की कंट्रीज में, तो उनमें इनका बिजनेस है। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सबसे पहली चीज आती है फॉरेन करेंसी ट्रैवलर चेक्स, प्रीपेड ट्रैवल कार्ड्स, फॉरेन करेंसी DD डिमांड ड्राफ्ट्स और रेमिटेंस अब्रोड, ट्रैवल इंश्योरेंस, इन कार्ड मनी ट्रांसफर, करेंसी नोट्स और डिमांड ड्राफ्ट्स। सर्विस जो ऑफर करती है वो फोरेक्स, जैसे कि इंडिया से कई स्टूडेंट जाते हैं अपनी फर्दर स्टडीज के लिए, तो उन्हें फॉरेक्स करानी पड़ती है अपनी फीस और जो भी मनी होती है। तो ये फॉरेक्स स्टूडेंट्स के लिए भी ऑफर करती है और NRIs के लिए भी सर्विस ऑफर करती है। इसी तरह से वो कॉरपोरेट जियो की कंपनी एक कंट्री और दूसरी कंट्री में उनका हेडक्वार्टर है, तो वो हेडक्वार्टर से पैसे की देन लेन फॉरेक्स ही वो भी ये कंपनी करती है। तो फॉरेक्स का जो भी प्रोसेस है वो इस कंपनी के साथ है। एसोसिएटेड कंपनी, कंपनी इन्वेस्टेड 40% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर ऑफ मिसेस पृथ्वी ग्लोबल, MS पृथ्वी ग्लोबल FX प्राइवेट लिमिटेड, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंजिंग परचेजिंग एंड सेलिंग करेंसीज विच फॉर्म 21st। तो ये कंपनी ने अपने 40% जो इक्विटी शेयर्स है वो यहाँ पे इन्वेस्टिंग किए हुए हैं, और जो कि बनती है अमाउंट ऑफ 2 लाख शेयर्स। बिजनेस पार्टनर्स की बात करें और यहाँ पे इसकी जियो ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें, तो ऑपरेट्स इन 16 ब्रांचेस इन इंडिया, स्प्रेड अक्रॉस चेन्नई, वडोदरा, चंडीगढ़, हैदराबाद। तो इंडिया में ऑल ओवर 16 ब्रांचेस हैं इस कंपनी की। ऑथराइज एजेंट की बात करें तो सी मनी ट्रांसफर सेंट थ्रू वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, मनीग्राम एंड एक्सप्रेस। रेवेन्यू ब्रेकअप आप देख सकते हैं, फॉरेन करेंसी 99% एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम सिर्फ 1%। तो ये था कंपनी का बिजनेस मॉडल।
तो इसी के साथ कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स की बात करेंगे। तो प्रोज में देखें तो कंपनी डेब्ट फ्री है ऑलमोस्ट, और रिड्यूस भी किया है इन्होंने डेब्ट। कंपनी एक अच्छा क्वार्टर दे सकती है। कंपनी ने डिलीवर किया है गुड प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि है 20.1 कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों में। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट स्टॉक, जैसा कि मैंने बोला, इसकी बुक वैल्यू है 45 और स्टॉक इस टाइम है 162, तो ऑलमोस्ट अपने बुक वैल्यू से 4 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों से। तो ये पीयर कंपनीज की बात करें तो पीयर कंपनीज जो कि सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस में है वो है BSE, CDSL। तो BSE और CDSL क्यों? क्योंकि ये भी थोड़ा सा अपना करेंसी का, हम जैसे कि स्टॉक्स लेते हैं और सेल करते हैं, तो उसी तरह से ये फॉरेक्स की मनी देन लेना है, तो इसलिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स सितंबर 2020 में 178, जो कि बढ़ते 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 यहाँ पे अब जून 2023 में, जो कि सितंबर 2023 लास्ट क्वार्टर में 1100 करोड़ तक पहुंच गई थी। तो कंपनी ने पिछले 3 सालों में अपना धंधा ऑलमोस्ट 10 गुना तक किया है। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी सिमिलरली कंपनी के बड़े हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि माइनस में चल रहा था, तो ये छोटी कंपनी है तो ये चीज़ें बहुत रिस्की बना देती हैं किसी भी कंपनी को। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी कंपनी ने सितंबर 2023 में 5 करोड़ तक शो किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 0.43। तो ये पहले बता दूं, ये बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत ही रिस्क इंटेंसिव कंपनी है, तो फंडामेंटल स्टडी करने के बाद इसका चार्ट बहुत मैटर रखेगा, ये कंपनी बाय करने लायक है भी या नहीं। तो इसी तरह से अदर इनकम की बात करें तो कंपनी में 0.20 करोड़ तो जो है अदर इनकम है, और जैसा कि कंपनी डेब्ट फ्री है तो इंटरेस्ट बहुत कम है। टैक्स 24.85% टैक्स जा रहा है, और जो कि 5 करोड़ इनकी सितंबर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उसमें से ये टैक्स डिडक्ट होके 3.82 बचा, और EPS कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है वो 4.63 है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की अगर बात करेंगे तो ये थोड़े से बहुत ही चौंका देने वाले चीज़ें हैं। जो सेल्स थी कंपनी की वो 2012 5, 6, 8, 8 और ये 2020, तो ये प्री कोविड लेवल तक 10 करोड़ का अपनी सेल्स कर रही है, और जैसे ही ये लेवल हटी 2021 से इसकी सेल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, एकदम से 10 करोड़ से 757 करोड़, और 1500, 3000 और 3500। तो ये जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इनकी एनुअल रिपोर्ट और कहीं स्टडी करने वाला है कि सेल्स में इतनी ग्रोथ किस तरह से आई। एक्सपेंस की बात करें जो 8 करोड़ से बढ़ के एकदम से इतना बड़ा, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो किसी भी कंपनी को अगर आप स्टडी करते हो, इन डेप्थ स्टडी करते हो, तो इसके फंडामेंटल से ही आपको ये चीज़ पता चल रही है इस कंपनी में बहुत ही गड़बड़ है। किस तरह से जो कंपनी सेल कर रही है 750, 1500, 3000 करोड़ की, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7 करोड़, और यहाँ पे तो जितना कंपनी ने सेल्स किया उतना ही एक्सपेंस हो गया उनको 0 करोड़। तो ये एक्सपेंस कहाँ पे हुआ है, इन्होंने अपना डेप्ट रिड्यूस किया है या जो भी हुआ है वो हम आगे देखते हैं। अदर इनकम कंपनी की एक जो कि स्टेबल ही है, इंटरेस्ट 0, तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स -3, नेट प्रॉफिट 7। तो ये यहाँ पे इसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से हमको ये पता चलता है ना केवल कंपनी छोटी है बल्कि बहुत ही रिस्की भी है। तो इसका बाकी हम चार्ट से देखेंगे। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी इक्विटी कैपिटल स्टेबल, रिजर्व्स कंपनी में 29 करोड़, बोरोइंग 6.1, और यहाँ पे लाइबिलिटीज। तो ये चीज़ देखने वाली है, सेल्स इतनी बढ़ाने के बाद एक्सपेंस भी उतना ही हो गया कंपनी का, तो ये अपना धंधा तो कर रही है, सेल्स बढ़ाई है कंपनी ने, पर एक्सपेंस भी उतना ही है जिसके कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका
ना के बराबर है। तो दोस्तों ये थी इसकी फंडामेंटल रिपोर्ट। तो फंडामेंटल से यही पता चलता है कि ये कंपनी और स्टडी करने वाली है, प्लस बहुत छोटी कंपनी है, बहुत रिस्की है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट की अभी सोच नहीं होनी चाहिए। प्लस हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।